नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स में। दोस्तों, सीलमेटिक इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है, सेकंड कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है और उसके ऊपर कितना कर्जा है वो चेक करेंगे। थर्ड वैल्यूएशन चेक करने का वाले कि जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ लाने वाली है क्या वो ओवरवैल्यूड है या फिर अंडरवैल्यूड है। फोर्थ आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। दोस्तों, कंपनी 2009 में एस्टैब्लिश हुई थी और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैकेनिकल सील्स। तो ये जो मैकेनिकल सील्स है, बेसिकली इसका जो यूज है वो कौन सी इंडस्ट्रीज में किया जा सकता है, जैसे कि केमिकल है, फिर पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, पावर, माइनिंग एंड पल्प, मरीन, और उसके अलावा काफी सारी इंडस्ट्रीज में जो है इसका यूज होता है। और अगर आप देखोगे इनकी प्रोडक्ट रेंज, तो ये सभी प्रोडक्ट्स है जो कि उन सभी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया। अभी दोस्तों, अगर इनके मैं सर्टिफिकेट्स की बात करूँ तो इनको काफी सारे आईएसओ सर्टिफाइड ये कंपनी है और इनके प्रोडक्ट्स को जो है काफी सारे क्वालिटी सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। मतलब कि ये कि दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स है उसमें काफी सारी जो है ये कंपनी काफी क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसीलिए दोस्तों अगर आप देखोगे तो इनका जो है एक बिजनेस जो है अच्छा खासा एक हमें फैला हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज इनका जो प्रेजेंस है वो काफी सारी कंट्रीज में। तो इंडिया के अलावा दोस्तों इनका जो है 45 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है, जैसे कि यूएसए, स्वीडन, यूके, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे, ये काफी यूरोपियन कंट्रीज में जो है इनका प्रेजेंस है। और इनकी जो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करूँ तो वो थाने में स्थित है। अभी दोस्तों अगर इनके फाइनेंशियल्स की बात की जाए यहाँ पे, तो फाइनेंशियल्स जो है इनका टोटल रेवेन्यू मार्च 2020 में अराउंड 33.5 करोड़ के आसपास का था। ये मार्च 2022 में अराउंड 43 करोड़ के आसपास का इन्होंने जो है क्लोज किया हुआ है। और सितंबर की बात करूँ तो यहाँ पे अराउंड 26 करोड़ के आसपास का जो है इनका रेवेन्यू है। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था इनका मार्च 2020 में। अभी ये बढ़ के जो है मार्च 2022 में 8 करोड़ 41 लैक्स हो गया है और लास्ट 6 महीने में इनका जो प्रॉफिट है वो अराउंड 5.5 करोड़ का है। नेटवर्थ की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 35.5 करोड़ का इनका नेटवर्थ है। सामने इनकी बोरिंग्स जो है काफी कम है, सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास की जो है इनकी बोरिंग्स है। इसका मतलब ये कि दोस्तों ये ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि ये डेट फ्री कंपनी है, बिकॉज काफी कम बोरिंग्स है। तो ओवरऑल कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है, बिकॉज कंपनी को जो है उतना सामने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ता रहेगा। अभी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो कंपनी का पहले हम देख लेते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या निकल के आ रहा है। तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आएगा वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ईपीएस जो है 11.69 का है, और जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ लाने वाली वो अराउंड 225 का है। तो दोस्तों सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे 225 को डिवाइड बाय 11.69 करेगा, तो 19.24 का जो है इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे निकल कर रहा है, जो कि एक फेयर वैल्यू पे मुझे यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा दोस्तों, अगर आप इनके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 28% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, काफी अच्छा खासा एक रिटर्न ऑन नेटवर्थ है कंपनी का। सेकंडली अगर हम इसके बुक वैल्यू से भी कंपेयर करेंगे इसको, तो इश्यू आने के बाद जो बुक वैल्यू रहेगा वो 85 का रहेगा, और सामने जो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है वो अराउंड 2.64 का जो है निकल के आ रहा है। मतलब कि बुक वैल्यू के कंपेयर में भी जो है ये एक फेयर वैल्यू पे आता हुआ आईपीओ नजर आ रहा है। अभी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करें, तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा इनका प्लांट एंड मशीनरी का रहेगा, तो इनको प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना है। सेकंड जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है। थर्ड मार्केटिंग और सेल्स सपोर्ट के लिए चाहिए। फोर्थ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फिफ्थ जो है प्रोविजेंसी एंड कंटीजेंस। और लास्ट इनका जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इनको फंड का रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कंपनी ने काफी क्लेरिफाई कर रखे हैं। आईपीओ डेट की बात करें दोस्तों यहाँ पे जो है 17 फरवरी को ये आईपीओ आने वाला है और 21 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू जो है 10 रुपए प्रति शेयर की रहेगी और प्राइस जो है 225 पर शेयर रहेगा। लॉट साइज 600 शेयर्स का रहेगा और इश्यू की साइज जो है अराउंड 56.24 करोड़ की रहेगी। तो दोस्तों इसमें जो है वैल्यू नहीं दे रखी है, फ्रेश इश्यू कितना है, ऑफर फॉर सेल कितना है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर से हम लोग है कैलकुलेट कर सकते हैं कितना कितनी वैल्यू पे फ्रेश इशू रहेगा और कितना ऑफर फॉर सेल रहेगा। तो ये मैंने आप भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो अराउंड दोस्तों फ्रेश इशू जो इनका रहेगा, अराउंड इनका जो फ्रेश इशू रहने वाला है वो रहेगा 41 करोड़ 62 लाख 42,598।
तो मोस्टली इनका जो है फ्रेश इशू रहेगा, बाकी ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। इश्यू टाइप जो है बुक बिल्डिंग इशू है, और इसका लिस्टिंग जो रहेगा वो बीएससी एससी में रहने वाला है। क्यूआईबी कैटेगरी में 40% ऑफ द शेयर्स, एचएनआई कैटेगरी में 18% ऑफ द शेयर्स, और बाकी के 42% ऑफ द शेयर्स रिटेल कैटेगरी में अलोकेट किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर मोहम्मद हनीफ चौधरी, सेकंड प्रमोटर है मिस्टर उमर ए के बलवा, एंड थर्ड जो प्रमोटर है मिस्टर राफिक एच बलवा। तो ये तीन प्रमोटर्स है कंपनी के। अभी अलॉटमेंट की बात की जाए तो 24 फरवरी को ये आईपीओ अलॉट होगा, 27 फरवरी तक आपको रिफंड आ जाएगा, और 28 फरवरी तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, और लिस्टिंग डेट जो रहेगा वो 1 फरवरी 2023 का रहने वाला है। अगर हम आईपीओ लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम जो है 1,00,600 शेयर्स का रहने वाला, मतलब मिनिमम आपको जो अमाउंट चाहिए होगी वो 1,35,000 रुपए चाहिए होगी इसमें अप्लाई करने के लिए, और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम जो चाहिए होगी अमाउंट आपको वो 2,70,000 रुपए चाहिए होगा 1,200 शेयर्स के लिए। अभी प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ आने से पहले 100% ऑफ द होल्डिंग प्रमोटर्स के पास थी, और आईपीओ आने के बाद जो है 72.38% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास रहेगी। इसका मतलब ये दोस्तों, जितना ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स के पास रहेगा उतना जो है कंपनी अच्छे तरीके से आगे और ग्रो कर सकती है, और उसकी वजह से जो है शेयर होल्डर्स को भी उसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों अभी डिसाइड कर लेते कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो पहली चीज तो दोस्तों ये कि कंपनी का बिजनेस ना कि इंडिया में है, बल्कि जो है कंपनी 45 कंट्रीज में उनका प्रेजेंस है, मतलब कंपनी कहीं ना कहीं बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी कर रही है। सेकंडली यहाँ पे जो इनके जो प्रोडक्ट्स है उनको आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, मतलब आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अच्छा खासा क्वालिटी है। थर्ड ये कि दोस्तों इनका डेट जो है बिल्कुल कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस 2-2.5 करोड़ के आसपास का डेट था, बिल्कुल कम है। 35 करोड़ के कैपिटल के सामने सिर्फ 2.5 करोड़ का डेट होना बहुत ही कम है, तो उसकी वजह से भी कंपनी को जो है यहाँ पे एक बेनिफिट आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और लास्ट फाइनल जो फोर्थ पॉइंट है वो इसकी वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन जो है न कि एक ओवर वैल्यूड है न कि ये अंडर वैल्यूड है, लेकिन ये जो है एक फेयर वैल्यू पे जो है ये आईपीओ ला रहे हैं, तो मुझे इनका वैल्यूएशन भी ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सभी परस्पेक्टिव से जो दोस्तों मुझे है ये कंपनी पॉजिटिव दिख रही है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस आईपीओ में आप अप्लाई जरूर कर सकते हो, बिकॉज ये सभी पॉजिटिव फैक्टर्स मैंने आपको बताया है। और अप्लाई दोस्तों आप जो है अपना एनालिसिस करना, अपना रिसर्च करना, उसके बाद ही जो है अप्लाई करना, क्योंकि मैंने जो है अपना एनालिसिस शेयर किया आपके साथ, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप भी एक बार अपने एंड से एनालिसिस जरूर कर लेना। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।